वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। बिफोर वॉचिंग द फुल वीडियो, आप पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको वो पता चले और आप वो देख पाए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट इज फॉर फ्री। एंड आप बेल बटन भी क्लिक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्लेमर बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो इज दैट जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इन डेप्थ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन, लाइक एक वीक में मैं क्या क्या करती हूँ। सो दिस इज नॉट लाइक आई डू इट फॉर एवरी सिंगल डे, क्योंकि स्क्रब्स और फेस पैक्स मैं एवरी सिंगल डे नहीं लगाती हूँ, ये आपके स्किन को हार्म करता है। सो आई यूज इट फॉर लाइक 2 to 3 days इन अ वीक, और जब टाइम नहीं मिलता है तो लाइक वंस अ वीक कुछ भी आप कर सकते हैं, पर यू नीड टू यूज इट। बट आप एवरी डे इसको ना यूज करें, ये आपके स्किन के लिए बेहतर होगा। यू कैन यूज इट 2 to 3 times अ वीक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। पहले तो मैं एक कॉटन पैड लेती हूँ, या कभी कभी मैं जो वाइप्स है, क्लीनिंग वाइप्स, जो फेशियल वाइप्स है उनको लेती हूँ। उनको लेने के बाद रिमूवल के लिए तो दिया ही रहता है इसमें लिक्विड, पर फिर भी इसमें जो दिया हुआ रहता है उससे पूरा अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होता है। इसमें माइसलर वाटर मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद मैं यूज करती हूँ, या कभी कभार जब मैं जल्दी में नहीं रहती हूँ या फिर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो कभी कभार मैं इसको स्किप करती हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, और मैं कॉटन पैड्स यूज करती हूँ। सो टूडे द माइसलर वाटर दैट आई एम गोइंग टू यूज इज दिस पॉन्ड्स वन। ये पॉन्ड्स विटामिन माइसलर वाटर है और ये है इन द वेरिएंट चारकोल। सो मैं इसको खोलकर इसमें ले लूंगी जितना भी लगेगा मुझे। फिर उसके बाद इसको लेकर आई विल स्टार्ट रिमूविंग द मेकअप। फेस वॉश, और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये लॉरियल पैरिस का व्हाइट परफेक्ट मिल्की फोम प्यूरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश। Dry my face with the towel. So you don't have to rub your face, you just have to pat it dry like this. Will be a scrub. So normal days में फेस वॉश के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा टोनर होता है, पर आज मैं इन डेप्थ दिखा रही हूँ लाइक इन अ वीक मैं कैसे स्किन केयर करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, इसीलिए आई एम यूजिंग अ स्क्रब। एंड उसके लिए मैं यूज करूंगी ये वाओ का चारकोल फेस स्क्रब। इसका पार्टिकल्स बहुत ही हार्श है। सो या आई विल डेफिनेटली मेक अ इन डेप्थ रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट, पर मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रही हूँ। सो विद द स्क्रब यू शुड नॉट गो अराउंड योर आई एरिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो स्क्रब भी अपने आईज में यूज करते हैं, पर स्क्रब कभी भी आईज में नहीं यूज करना चाहिए, और नॉट ओनली स्क्रब, फेस पैक भी कभी भी आईज में यूज नहीं करना चाहिए। आई इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ योर फेस, और उसको आपको हमेशा सेफ रखना चाहिए। विल यूज अ फेस पैक, और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क।
फेस पैक गेट्स डेड आई विल यूज अ लिप स्क्रब, और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये अलाना का लेमनेट लिप स्क्रब। उसके लिए तो मैं पहले एक कॉटन बॉल निकालने वाली हूँ, देन मैं टोनर को लूंगी और अपना फेस पे लगाऊंगी। और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग कूलिंग टोनर। दिस इज अ केमिकल बेस्ड टोनर, तो मैं जब रिव्यू करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। एक फेस सीरम, और उसके लिए मैं यूज करूंगी ये गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। मैं लगाऊंगी अपना आई क्रीम, और करेंटली मैं यूज कर रही हूँ ये वादी का अंडर आई क्रीम। दिस इज विथ आमंड ऑयल एंड क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट। सर मैं यूज करने वाली हूँ द मॉम्स कोका नेचुरल वीटा रिच फेस क्रीम, एंड दिस हेल्प्स फॉर एंटी पिगमेंटेशन एंड इवन स्किन टोन। तो मैं इसका सभी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा स्टेप करती हूँ क्योंकि जब मेरे ब्रेकआउट्स होते, पिंपल होते या एक्ने होते, तो जो ये जैसे का ये एक मार्क छोड़कर गया है, जैसे मार्क छोड़कर जाते हैं, वो मार्क्स को मैं घटाने के लिए या फिर टोटली मतलब क्लीन करने के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया यूज करना। ये है रिक्वेल का पिट स्टॉप जेल। को थोड़ा सा लेती हूँ, एकदम थोड़ा सा, और जहाँ जहाँ पे मेरा मार्क्स है सिर्फ वहाँ वहाँ पे मैं लगाती हूँ इसको। फिर आता है लिप बाम एंड द लास्ट स्टेप फॉर फेस, और उसके लिए मैं यूज करूंगी क्लीन बेबी लिप्स का कलर ब्राइट आउट लाउड लिप बाम। पहले भी कहा है यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड, और उसके लिए मैं यूज करूंगी अभी ये यार्डले लंदन का परफ्यूम for smelling good. That was all for the video and the nighttime skincare routine. अगर आपको पसंद आया then please give this video a big thumbs up. Share this video with your friends and family and don't forget to subscribe to my channel. Bye.